हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज का डे 89 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड है। चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच, दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है। बोल रखा है क्या सवाल में, द स्पीड ऑफ बोट S1 इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक S1 बोट है जिसका स्टिल वाटर में स्पीड, जिसको x से इंडिकेट करते हैं, वो दिए हुए है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, द बोट S1 ट्रेवल फॉर 2 आवर। अभी तक हमको डाउन स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम का स्पीड नहीं मिला है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम नहीं, स्ट्रीम का स्पीड अभी तक में नहीं मिला है। द बोट S1 ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 2 आवर एंड 3 आवर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम ट्रेवल करता है 2 घंटे और डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है 3 घंटे। ठीक है, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी इज 1 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर है। द स्पीड ऑफ बोट S2 इन स्टिल वाटर, ठीक है, अब दूसरा बोट भी है एक। ठीक है, दूसरा बोट S2 है। S2 का स्टिल वाटर में स्पीड जो है, एक्स जो है वो क्या है, 275/4%, यानी कि 400 लिख देते हैं ऑफ ए। ठीक है, इनटू ए कर देना है। द बोट S2 ट्रेवल फॉर 5 आवर अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम ट्रेवल करता है वो 5 आवर। अभी भी यहाँ पे हम लोगों को वाई का मान नहीं मालूम है। ठीक है, और इसमें भी वाई का मान नहीं मालूम था। 5 घंटे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में भी क्या 5 घंटे ट्रेवल करता है। द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी इज बी, और इसका एवरेज स्पीड क्या है, वो है बी है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्ट्रीम का स्पीड जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वाई का मान मुझे निकल गया 5 किलोमीटर पर आवर एंड हियर ऑल्सो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोल रखा है क्या हमारा सवाल में, पूछ क्या रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच अंतर निकालना है, यानी ए माइनस बी निकालना है हमें। अब देखो यहाँ पे जब मुझे 5 किलोमीटर मालूम हो गया, सबसे पहले मुझे एवरेज दिए हुए ए, तो सवाल में लोग बहुत अटकते हैं इसलिए हैं कि जैसे ही एवरेज दे देता है वहां पे हम लोग लगा देते हैं 2xy/(x+y)। में कितना x+y। ठीक है, ये कब लगता है, जब दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब लगता है। ठीक है, एल्स हमारा एवरेज स्पीड लिटरली क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा में क्या, टोटल टाइम। ठीक है, जब टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम ही करना है तो हमको सबसे पहले टाइम, यहाँ चलो मालूम है 2 घंटे 3 घंटे डिस्टेंस पे आना है। अप स्ट्रीम में हमारा क्या होगा, 15 उसका स्टिल वाटर में है और यहाँ 5 स्ट्रीम का स्पीड है, यानी कि अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 15 - 5 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 15 + 5 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस पे आ सकते हैं, 10 × 2 कर देंगे 20 किलोमीटर और यहाँ से 20 × 3 कर देंगे 60 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा जो निकल गया वो क्या निकल गया, 80 किलोमीटर। अब एवरेज दिए हुए था ए, ठीक है, ए का मान, ए एवरेज कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 80 है और टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है, 2 और 3 यानी कि 5 घंटे, यानी कि 5 से डिवाइड दे देना है। ए की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए यहाँ से निकल गया हमारा 16। अब मुझे बी निकालना है, बी देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे बी निकलेगा, यहाँ पे एक्स बराबर दिए हुए है 275/400 ए। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एक्स बराबर में 275 अगर मैं 25 से काटूंगा इसे 11 बार में, 25 से काटूंगा 16 बार में। ठीक है, यानी 11/16 ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी निकली थी 16, यानी गुना कर देना है क्या 16 से, एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी 11। ठीक है, एक्स जब 11 निकल गया, वाई हमारा 5 है, तो अप स्ट्रीम में जब जाएगा तो 11 - 5 डेट इज नन अदर देन 6, यानी ये 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर से जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 11 + 5 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। फिर उसी तरीके से यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, 6 × 5 जो हमारा कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर और 16 × 5 क्या हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर, और यहाँ से हमारा टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 110 किलोमीटर। अब हमें क्या बोला था कि यहाँ पे एवरेज जो है, एवरेज दे रखा है क्या बी। ठीक है, तो एवरेज जब बी दे रखा है तो फिर वही फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 110, टोटल टाइम क्या हमारा 5 घंटे और 5 घंटे यानी कि 10 घंटे। भाग दे दिया मैंने यहाँ से, बी की वैल्यू कितनी निकल गई 11। अब ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, मुझे क्या बोला था, इन दोनों का डिफरेंस यानी 16 - 11 डेट इज नन अदर देन 5 किलोमीटर पर आवर। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, और कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इस सवाल में जाना था और कुछ भी नहीं। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।